संध्या के बाबा की मौत के बाद उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? माँ, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी, सफाई वगैरह भी। देखते हैं, पहले तू काम तो ढूँढ। मीना काम ढूँढने के लिए बाजार में घूमने लगी। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं है। बाजार में घूमते घूमते संध्या एक ब्यूटी पार्लर आ पहुंची। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती है तू बेटा? कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। अभी तेरी उम्र छोटी है, तू नया काम सीख सकती है। ठीक है, तू कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जा। शुरू शुरू में तू सफाई का काम कर ले और धीरे धीरे पार्लर का काम भी सीख लेना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या को काम मिल गया था, वो बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। अच्छा है, तुझे काम मिल गया, अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले दिन संध्या पार्लर पहुँची। पहले उसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि शिक्षा कैसे काम कर रही है। संध्या, उस स्टीमर को ऑन कर दे। जी दीदी। शिक्षा संध्या को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ दिनों बाद शिक्षा ने संध्या को काम सिखाना शुरू किया। ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है, हाई पे बाल जल सकते हैं। जी दीदी। संध्या जल्दी जल्दी काम सीख रही थी। एक ही महीने में वो बहुत कुछ सीख गई। बेटा, इनका फेशियल कर दे। हाँ दीदी। संध्या अब काम सीख चुकी थी तो शिक्षा ने उसकी पगार भी बढ़ा दी। ये ले बेटा, इस महीने की पगार। हमेशा से ज्यादा पगार पाकर संध्या बहुत खुश थी। ये लो माँ, इस बार दीदी ने मुझे ज्यादा पगार दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। तू इन पैसों से तेरे लिए कुछ कपड़े खरीद ले। जी, मैं अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े खरीदूंगी। जैसे जैसे संध्या काम सीखती जा रही थी, शिक्षा उसकी पगार बढ़ा रही थी। संध्या भी इस काम से बहुत खुश थी। 2 साल बीत गए। एक दिन जब संध्या घर लौटी तो उसके घर पर कोई मेहमान आए थे। बेटा, ये तेरे दूर के मामा हैं। प्रणाम मामा। प्रणाम बेटा। ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो ही गई है। पर माँ, अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना खुद देख लूंगी। तेरे पापा यहाँ होते तो अब तक तेरी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है, बस तू इसे ठुकरा मत। संध्या ने सोचा और फिर अपनी माँ का मुंह देखकर हामी भर दी। मुकेश एक फैक्ट्री में काम करता है, 12,000 रुपए पगार है उसकी। संध्या को कोई कमी नहीं होने देगा दीदी। ठीक है, आप रिश्ते की बात बढ़ाइए। कुछ दिनों बाद मीना को देखने मुकेश और उसके कुछ रिश्तेदार आए। बहन जी, मुकेश के माँ बाबा को तो गुजरे सालों हुए हैं। मैं उसकी मौसी हूँ, मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ। मुकेश के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। हमें मंजूर है। सब खुश थे, मुकेश और संध्या की शादी का मुहूर्त निकला था और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, मुकेश संध्या का बहुत ख्याल रखता था। आज आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो संडे है, आज मैं खाना बनाऊंगा। आप बनाएंगे? हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तुम आराम करो। संध्या खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि वो गर्भवती है। कुछ महीने बीत गए और एक दिन मुकेश शराब पीकर घर आया। आपने शराब पी है? हाँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने थोड़ी सी पिला दी। संध्या को मुकेश का शराब पीना अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। मुकेश हर दिन घर शराब पीकर ही आता था और अब मुकेश और संध्या में अनबन होने लगी थी।
आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं अपने पैसों से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? मुकेश ने गुस्से में संध्या को तमाचा मार दिया। संध्या गर्भवती थी पर मुकेश उसे रोज मारा करता था। 4 महीने बाद संध्या ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। उसने रोते हुए अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तेरी भलाई के लिए तेरी शादी की थी, मुझे कहाँ पता था कि तेरे साथ ये सब होगा। बेटी मुझे माफ कर दे, तू अब उस हैवान के पास मत जाना, यही रह जा। संध्या अपनी माँ के घर ही रुक गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। माँ, मैं सोच रही हूँ पार्लर का जॉब वापस ज्वाइन करूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तू नौकरी पे कैसे जाएगी, मैं ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ। तभी संध्या को एक आइडिया सूझा। माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल दूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की जरूरत नहीं। ये तो तू कर सकती है। उसी शाम मीना और संध्या ने बाजार से पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर का बोर्ड लगा दिया। पहले ही दिन उसके पार्लर में कस्टमर्स आने लगे। संध्या और मीना खुश हो गई। संध्या अच्छा काम करती थी इसलिए कस्टमर्स वापस आया करते थे और धीरे धीरे उसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। गर्भवती होने के बावजूद वो 10-10 घंटा काम किया करती थी। कुछ महीनों बाद संध्या ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर अपनी छोटी सी बेटी को संभालते हुए संध्या पार्लर चलाने लगी। संध्या के जीवन में अभी भी संघर्ष था पर उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपने और अपने अपनों की जिंदगी बेहतर बना रही थी। 5 साल कड़ी मेहनत करके संध्या ने अपना बड़ा सलोन खोल दिया। अब उसकी बेटी भी स्कूल जाया करती थी और वो अपनी माँ के साथ एक बड़े घर में रहती थी। ये उसके लिए बड़ी सफलता थी लेकिन अब भी उसका संघर्ष जारी है।